नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। गेल का जिला पंचायत वार्ड 3 ने शून्य घोषित। रायसेन में एक बड़ा ही राजनीतिक उलटफेर हुआ है। यहां वार्ड नंबर 3 में जिला पंचायत के सदस्य राजेंद्र बघेल को हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला पंचायत सदस्यता छोड़नी पड़ गई है। जिला पंचायत वार्ड 3 के मतदाता राकेश चौकसे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि जिला पंचायत का वार्ड क्रमांक 3 ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है, लेकिन यहां से चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र बघेल ने गलत जाति प्रमाण पत्र पेश किया, जिस कारण इस क्षेत्र को शून्य घोषित किया जाए। हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश टीएस अहलूवालिया ने सुनवाई करते हुए जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 3 को शून्य घोषित करने का आदेश पारित कर दिया है। इस संबंध में याचिकाकर्ता श्री चौक से हमारे चैनल ने बात की तो उन्होंने बताया कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती पूजा चौक ने इस वार्ड क्रमांक से चुनाव लड़ा था, जो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित था, लेकिन बघेल ने गलत जाति प्रमाण पत्र लगाकर यह चुनाव जीता था। उन्होंने तत्कालिक एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर उनकी धर्मपत्नी बोली, ये सत्य की जीत है और यदि जनता चाहेगी तो वह दोबारा चुनाव लड़ेंगी। उधर हमने राजेंद्र बघेल से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि अभी वह शहर से बाहर हैं और वे माननीय न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हैं। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। आप क्या दोबारा ही चुनाव लड़ेंगी? जैसे क्षेत्र की जनता चाहेगी वैसा डिसीजन होगा। ये कोर्ट का निर्णय आने के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं? सत्य की जीत हुई है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? लगभग 2 साल पहले जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ था वार्ड नंबर 3 के लिए, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थी, जिसमें 8 लोग चुनाव लड़े थे, जिसमें से 7 लोग अन्य पिछड़ा वर्ग के आते थे। एक व्यक्ति ऐसे थे कि जो कि सामान्य के होकर एक झूठा जाति संबंधित शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि वह पाल बघेले गड़ेरिया जाति में आते हैं, जबकि वह ठाकुर बघेल जाति में आते थे। इसको मैंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद में कल हमें उसमें सफलता मिली है। हाईकोर्ट ने ये माना है कि यह व्यक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग में नहीं आते, यह सामान्य के आते हैं, इसलिए इनका चुनाव निरस्त करके और उक्त सीट को रिक्त कर दिया है। अब पुनः मतदान होगा। यह चुनाव मेरी पत्नी पूजा राकेश चौक से लड़ी थी और उनके प्रतिद्वंदी थे श्री राजेंद्र बघेल मेहगांव वाले। अच्छा, इस लड़ाई में आपको कितना समय लगा? इस लड़ाई में हमको भी 2 साल में 2 महीने कम है, अभी जुलाई में 2 साल हो जाएंगे, तो ये समझिए कि 22 महीने में हम निर्णय ले आए हैं। आपने ये कहां-कहां तक संघर्ष किया? मैंने ये संघर्ष ये समझिए कि जिला निर्वाचन अधिकारी से लेके कलेक्टर से लेके कमिश्नर से लेके और हाईकोर्ट तक लड़ा हूँ। ये यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ी चूक की है हमारे निर्वाचन अधिकारी एलके खरे, जो कि तत्कालीन एसडीएम थे, ये सब कुछ जानते हुए भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर इन्हें ये इतना बड़ा अन्याय होने दिया। मैंने काफी विरोध किया मगर इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया है एलके खरे जी, तत्कालीन एसडीएम।